वेलकम बैक नाजरीन एंड वेलकम टू घर सिंघार आज बहुत ही मज़ेदार शो हम आपके लिए लाए हैं हमारी जो मेहमान हैं आज के प्रोग्राम में वो हम सब की ज़िंदियाँ आसान करने के लिए आई हैं आप सबको पता है और सब खवतानी जो हमारा शो देखती हैं उनको फर्नीचर का और इंटीरियर्स का बहुत शौक होता है हमारी जो आज गेस्ट हैं वो बताएंगी कि हम अपने फर्नीचर को पुराने से नया कैसे बना सकते हैं विदाउट वेस्टिंग मनी हम पॉलिशेस कैसी नई बना सकते हैं ट्रीटमेंट्स कैसी नई कर सकते हैं मैं तो बोलती रहूँगी तो चलें आपकी लुबना से मुलाकात ही कराते हैं लुबना शेख कैसी हैं आप मैं ठीक हूँ आप कैसे बिल्कुल ठीक मेरी ये प्रॉब्लम है कि इफ़ आई रोल ना देन मैं बोलती रहूँगी इसलिए ज़रा कभी कभी कब करना पड़ता है एंथुसियाज्म को लुकना मुझे बताइए आपने शो स्टार्ट होने से पहले मुझे बहुत ही एक मजेदार बात बताई कि अगर इंसान का पुराना फर्नीचर हो तो उसको ट्रीट कैसे किया जा सकता है नया कैसे किया जा सकता है हाँ। मुझे पता है आप पहले भी हमें बता चुकी हैं कि हाँ अगर आपका फर्नीचर की पॉलिश खराब हो चुकी हो जैसे कप मार्क्स मिल जाते हैं वाटर मार्क्स तो वो कैसे सही किए जाते हैं थोड़ा बहुत जरा बताएं कि uh, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि uh, अगर आप uh, ये जो स्प्रेज एरोसोल स्प्रेज वगैरह आ रहे हैं वो तो मत ही इस्तेमाल करें अच्छा क्योंकि वो लॉन्ग uh, लास्टिंग नहीं होते हैं uh, थोड़ी देर के लिए शाइन दे, दे देंगे उसकी लुक दे देंगे जब उसमें से पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो एज इट इज रह जाएगा आप बिल्कुल सही कह रही हैं क्योंकि मैं आप लोग को एक बताती हूँ आप लोग एक कप पानी ले लें दो कप ऑलिव ऑयल और आधा टेबल स्पून नींबू डाल के कोई स्प्रे की खाली बोतल में वो मिक्सचर बना के रख लें जैसे पानी के स्प्रे वाली जो हा, हा। 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 और उसके बाद आप उसको महीने में एक दफा अपने फर्नीचर्स पे लगाएं स्प्रे वो करके और वही उसी तरह के नरम नरम कपड़े कपड़े, से हटा मल, मल, मल के से हटा उसको अप्लाई करें आई थिंक वो सबसे अच्छी आपके लिए दोबारा दोहराएंगी ये टोटका क्या था एक कप पानी एक कप पानी दो कप ऑलिव ऑयल और एक टेबल स्पून नींबू सही ठीक है उसका मिक्सचर आप बना के अच्छी तरह उसको हिला लें और स्प्रे बॉटल में रख लें और उसको अप्लाई करें महीने में एक दफा अपने पे। अच्छा एक और जो मैं बात करना चाह रही <laughs> थी कि भाई आप फोन करके अपने मसले हमसे पूछेंगे तो हम आपको जवाब देंगे ना तो वेरा यो कॉल्स हमारा प्रोग्राम शुरू हुए दो मिनट हो गए और अभी तक एक कॉल नहीं आई देखिए थे गलत बात है exactly. अच्छा फॉर एग्जांपल अगर आम, पॉलिशिंग तो आपने कह दिया मेंटेन करना ये हर किस्म के पॉलिश पे चलेगी लाइट या फर्नीचर बना हुआ कई दफा अगर थोड़ा सा भी पानी या उसके ऊपर लगे वो फूल जाती है ठीक है ना अब ये भी देखना है की विनियर किस किस्म की है और मैं ये एक बात बताऊं कि विनियर का फर्नीचर बुरा नहीं होता है अगर विनियर अच्छी है तो मेरे ख्याल में फर्नीचर बहुत अच्छा बन बहुत जाता है अच्छा। बहुत लास्ट करता बहुत है बहुत लास्ट करता है इनफैक्ट सही हाँ जी अच्छा ये तो बात हो गई एक जगह जब कोई फर्नीचर खरीदने जाता है जी राइट लुभना सो हाउ डू यू नो कि आप जो खरीद रहे हैं आपको मिल क्या रहे क्योंकि सॉलिड हाँ। लकड़ी एक तो लोग समझते हैं उनको समझ ही नहीं है कि वेनेर क्या होती है प्लाई क्या होती है ऊपर से क्या डिफरेंट ट्रीटमेंट्स होते हैं अगर हम डाइनिंग टेबल फॉर एग्जांपल लेने जा रहे हैं तो उसको क्या सॉलिड लकड़ी होना जरूरी है ज़रूरी तो नहीं है देखिए एक तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो शोरूम अपने बनाए हुए काफ़ी अरसे से चल रहे हैं उनकी भी एक क्रेडिबिलिटी होती है बिल्कुल कि भाई आपके इनके पास फर्नीचर आपको अच्छा मिलेगा दूसरी चीज़ ये है कि आप जब फर्नीचर ख़रीदने जाते हैं कोई भी नहीं उसको जब पॉलिश हो जाती है उसके बाद आप ये जान ही नहीं सकते उसके अंदर क्या है, है? क्या? हाँ? अंदर क्या है ठीक है अब यह है कि क्रेडिबिलिटी इज इम्पोर्टेंट जहाँ से आप फर्नीचर खरीदें उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब रह गया डाइनिंग टेबल के लिए अगर एक डाइनिंग टेबल आप खरीदने जाएं तो कुर्सियाँ तो हमेशा वुड में होती हैं ठीक है कुर्सी के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जितना कम आ, उसके अंदर जोड़ होएगा बिल्कुल ठीक है वो उतनी अच्छी आपकी कुर्सी होगी लेकिन उसका बेस बनाना अगर उसमें आप विनियर भी लगा रहे हैं तो मेरे ख्याल में ये चेक करना जरूरी है कि उसमें अच्छी विनियर है या नहीं, है। नहीं। अच्छा, अब वो मैं आपको एक सेकंड कर सकती से हूँ कॉल आई है आपके हाँ लिए जी जीकुम सोनिया है आपके बिल्कुल ठीक थैंक यू आपका नाम आ, मैं सानिया बात कर रही हूँ सानिया कैसी हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक और हम क्या कर सकती है आज, कर सकते हैं आज, आज आपके लिए सोनिया मुझे एक सवाल करना था कि मेरे घर में छोटे बच्चे हैं और अक्सर ये प्रॉब्लम हो जाता है कि फर्नीचर के ऊपर जो है स्क्रैचेस बहुत डाल देते हैं बच्चे सही अब उसका ये हल भी नहीं हो सकता की आप पूरे फर्नीचर को पॉलिश तो करा नहीं सकते बिल्कुल कोई ऐसी रेमेडी है की घर में खुद कर लिया जाए की जहाँ भी स्क्रैच पड़े उस वक्त उस पर कुछ कर लिया जाए ताकि स्क्रैच जो है वो प्रोमिनेंट ना हो जाता सही Good question actually. हाँ, लेकिन दिक मुझे, दिक मुझे एक इनसे बात पूछनी है कि आपका जो फर्नीचर है वो किस पॉलिश में है वो डीको में है एंटीक में है या वैक्स uh, पॉलिश में है नहीं डीको में नहीं है ये नॉर्मल जो पॉलिश होती है वो की यही है जैसे लकड़ी ही नजर आ रही है ग्रेन्स हाँ, नजर आती है लकड़ी दिक 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 की अच्छा सही ठीक है फिर हम आपको जवाब देते हैं ओके थैंक थैंक यू यू फॉर कॉलिंग सर ये पहले तो ये देखना कि स्क्रैचेस की कितनी डेप्थ है सही सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि भाई कितने गहरे आपके स्क्रैचेस हैं हैं बॉल पॉइंट घिसे बच्चों ने तो वो तो फिर ये है कि आपको किसी कारपेंटर को ही बुला के करना पड़ेगा कि उसकी फिलिंग करके उसकी रीपॉलिशिंग हो लेकिन आर्म स्क्रैचेस जो होते हैं जैसे अपना बच्चे गाड़ी चलाते हैं टायर्स वगैरह लग जाते हैं उसके ऊपर निशान आ जाते हैं

कोई होममेड में मैं ये आपको बता सकती हूँ कि वैक्स के लिए है तो वैक्स का निशान पड़ गया वो किस तरह पे कारे बॉल पॉइंट है या इंक गिर गई है ऐसी चीजों पे बट अगर गहरे बहुत गहरे निशान हैं और वो नहीं जा सकते उसके लिए आपको प्रोफेशनल हेल्प चाहिए exactly. अच्छा एक छोटा सा ब्रेक लेंगे लुप्तना इसी please. के साथ नाज़रीन में भी राइट right बैक वेलकम बैक नाजरीन जी लुबना आई थिंक एक और कॉल है आपके लिए वो अटेंड करते हैं जी। जी अस्सलाम आपका नाम मैं बात कर रही हूँ नईम नई